पिंकी गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, दही वड़े। दही वड़े तो सभी को पसंद है, जैसे हम शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो दही वड़े हम जरूर खाते ही है, तो क्यों नहीं वैसे ही दही वड़े हम घर पे बनाए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आप मुझे जरूर लाइक करेगा। हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये दाल उड़द की दाल है, इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। अच्छी तरह से हमारी दाल फूल गई है, अब इसे हम झार में पीस देंगे अच्छी तरह से। अब इसे हम झार में डाल देंगे, दाल को हम सब दाल डाल देंगे एक ही साथ में, हम पीसेंगे इसे और दाल में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम बाद में ऐड करेंगे नमक हमारा जब पीस के हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारी दाल पीस के हो गई है, कितनी अच्छी तरह से पीस के हो गई है, इसमें दाने भी नहीं है दाल में, दाल के अच्छी तरह से पीस के हो गई है हमारी दाल। आप इसे टोप में निकाल रहे हैं, देख सकते हैं हमारी दाल अच्छी तरह से बारीक हो गई है पीस के। अब इसमें 1/2 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे, खाली नमक ही ऐड करेंगे इसमें और कुछ नहीं, और इसे अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से, क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम तक हम 2-3 मिनट तक हम ऐसे मिलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में कि अच्छी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा दाल, ऐसे हम दाल को ऐसे मिला रहे अच्छी तरह से नमक डाल के, इसमें इसके दही बड़े बनाना है तो इसीलिए हमको ऐसे तरह से मिलाना है कि सर सॉफ्ट हमारे वड़े बन जाए दही वड़े। अब इसे हम 2 मिनट हो गया अच्छी तरह से मिला के, अब इसे हम थोड़ा सा पानी में डाल के देखते हैं हमारे दही वड़े के आटे को हम इसमें ऐड देखेंगे। हाँ अच्छी तरह से हमारा आप देख सकते हैं हो गया है, अब हम फ्राई करेंगे वड़े को। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तेल पहले से रख लिया है, गैस ऑन है, हमारा तेल जरा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें वड़े छानेंगे और गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, हम वड़े छानते हैं इसमें। हम यहाँ आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, ये आप देख सकते हैं ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारे वड़े फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि स्लो रखना है गैस का फ्लेम, फास्ट नहीं रखना है। ये आप देख सकते हैं हमारे वड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, कितने अच्छे हमारे वड़े बने आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं सारे वड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, आपको एक बार बता देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे दही वड़े कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं कितने अच्छे सॉफ्ट बने हुए हैं। देखिए अब हम ठंडे पानी में डाल देंगे सारे वड़े को, क्योंकि ठंडे पानी में डालने से थोड़ा हमारे वड़े थोड़े अच्छे रहेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे और थोड़े अच्छे फूलेंगे भी अच्छी तरह से पानी में। इसे ठंडे पानी में ही डालना है, गर्म पानी में नहीं डालना है इसे, क्योंकि गर्म पानी में डालने से सारे वड़े फूटने का भी डर रहता है, फटने का। हम इसे ठंडे पानी में 20 मिनट तक अच्छी तरह से हम रखेंगे इसे। अब इसके बाद हम दही का तैयारी कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा जो दही है घर का दही है, ये 1/2 किलो दही है, ये मैंने घर में जमाया था। अब इसे हम थोड़ा पतला कर देंगे दही को, अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हम ऐसा पतला कर देंगे दही वड़े के लिए, अच्छी तरह से हमें दही को ये करना है पतला, और घर का दही तो बहुत ही अच्छा रहता है, उससे तो दही वड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो अच्छी तरह से हम दही को मिला लेना है अच्छी तरह से। फिर देख सकते हैं अब दही में हम चीनी डाल देंगे, ये हमारी 1/2 कटोरी चीनी है, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। अब देख सकते हैं स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक जाएगा और स्वाद अनुसार थोड़ा और डाल देंगे हम नमक। अब जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और काला नमक डाल देंगे हम 1/2 चम्मच
काला नमक बस, और हम इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। सकते एक गिलास मैंने पानी ली हूँ, इसमें हम आधा गिलास हम पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं इतना सा हमारा पानी बच गया है। अब आप देख सकते हैं ये चम्मच डाल के हम अच्छी तरह से इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिलाना है इसको दही को। ताकि हमारे दही बड़े अच्छे बने, इसी तरह से दही को एकदम पतला करना है, ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, मीडियम ही करना है। तो आप देख सकते हैं मीठी चटनी मैंने घर पे बनाई हूँ, कितनी अच्छी बनी हुई है ये खजूर की। इसकी रेसिपी में मैं आप सबको बाद में बताऊँगी, बहुत ही अच्छी टेस्टी चटनी बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये हरी चटनी भी कितनी अच्छी लग रही है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बना के। ये भी बहुत अच्छी चटनी, हरी चटनी बनी हुई है। और ये दोनों की चटनी की रेसिपी आप सबको मैं ज़रूर बताऊँगी बना के। देख सकते हैं बड़े का हम पानी निकाल देंगे अच्छी तरह से, इसे 10 मिनट भिगो के रखा था मैंने। सारे बड़े के हम पानी निकाल देंगे अच्छी तरह से, कितने अच्छे सॉफ्ट है। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें हम ट्रांसफर करेंगे दही को, हम दही वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम वड़े डाल देंगे, एक एक करके हम ऐड कर देंगे इसमें वड़े को। कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। अब अच्छी तरह से मैं दही में वड़े को मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे, ये हमारी चटनी घर की बनी हुई है चटनी है। अब मीठी चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, ये भी घर की चटनी बनी हुई है, ये खजूर की चटनी है। चारों बाजू हम डाल देंगे मीठी चटनी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका दही वड़े का। अब इसके ऊपर हम सारे मसाले डाल देंगे। अब मसाले ऐड कर देंगे इसमें हम, काला नमक ऐड कर देंगे इसको, चारों बाजू से हम काला नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार वाइट नमक, और मिर्ची पाउडर हम ऐड कर देंगे इसमें। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जीरा पाउडर डालेंगे इसके ऊपर। ये हमारा दही वड़ा बनके तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं दही वड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। मेरे मुंह में तो पानी आया है दही वड़े से, आप सबके भी मुंह में जरूर पानी आया होगा दही वड़े देख के। ये दही वड़े जरूर आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी रहेगी दही वड़े की, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई रेसिपी लेके, जब तक के लिए बाय बाय।